नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का सोनल्स क्लासरूम में स्वागत है। आज हम विद्यार्थी मित्रों 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तिका में कविता क्रमांक 11 कृषक गान इस कविता को सीखेंगे और उसका भावार्थ जानेंगे। उसके कवि है दिनेश भारद्वाज। कृषक यानी किसान और गान यानी गीत। कवि ने इस कृषक गीत के माध्यम से किसान के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। किसान मेहनत और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। आज का ये अन्नदाता कर्ज के बोझ से तला भीषण गरीबी से जूझ रहा है, स्वयं अन्न के लिए मोहताज हो रहा है और उसी की इस दुर्दशा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है और उसकी मेहनत और जिंदगी को सलाम करते हुए अपने अधिकार दिलाकर समाज में उसका स्थान महत्वपूर्ण दिलाने की कामना कवि ने इस कविता में की है। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब इस कविता का ध्यान से भावार्थ समझने की कोशिश करें। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर पान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इन पंक्तियों में दो ऋतुओं के नाम आए हुए हैं, एक मधुमास, मधुमास यानी बसंत ऋतु, और पतझर यानी शिशिर ऋतु। दीनता यानी गरीबी। आज किसान की हालत अभावग्रस्त है। किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, गरीबी के स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले किसान का सम्मान करते हुए वो गीत लिखते हैं और कहते हैं, दुनिया वालों के जीवन में बसंत की बहार लाने वाले ये किसान उपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं। उनका जीवन पतझर की ऋतु के समान नीरस है। औरों को सुख देने में ही इस कृषक को संतोष मिलता है और उसी में वह समाधानी है, और ऐसे कृषक का कवि को नाज है और इसीलिए वह कविता में कहते हैं कि उस कृषक का मैं गान कर लूं। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हुए, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। श्रम अर्थात मेहनत, सृजक यानी कि ईश्वर, मनुष्यता यानी मनुष्यता, आह्वान करना यानी पुकारना, जैसे हम पूजा के वक्त ईश्वर का आह्वान करते हैं। तो आइए अर्थ देखते हैं। किसान दिन रात खून पसीना एक कर कर मेहनत करता है और उसी कड़ी मेहनत के कारण हमें मधुर रस प्राप्त होता है। मधुर रस यानी मीठा रस, यानी कि वह अन्न द्वारा हमारे जीवन में मीठा रस भर देता है। ईश्वर ने सभी को एक जैसी धूप छाव दी है, पर किसान उस धूप छाव में निरंतर कष्ट करता है, हर मौसम में मेहनत करता है और हमें उसे इंसानियत दिखाते हुए मानवता के नाते हमें उसका आह्वान करना चाहिए, उसको पूजना चाहिए और उसका सम्मान उसे दिलाना चाहिए। अगली पंक्तियों में देखें कवि क्या कहते हैं, विश्व का पालक बंजो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नवसृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। पालित यानी जिसको पालता है और पालक यानी पालनहार यानी कि किसान हमें पालता है। कर यानी हाथ, पद यानी पैर, दलित कुचला हुआ, पैरों से कुचला हुआ। किसान ईश्वर का पालनहार है
वह अन्नदाता है, वह हमें पालता है, पर कुछ लोग उसे अपने पैरों तले कुचलकर मार रहे हैं। कवि किसानों के हाथों से हाथ मिलाकर एक नए भारत को बनाना चाहते हैं, उनकी मदद करके नवसृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे किसानों के लिए वह जयगान गाना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उस कृषक का मैं गान कर लूं। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। क्षीण नीच बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से नीच उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सूर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कुछ नए शब्दों का परिचय कराते हैं। बलहीन यानी कमजोर, आज किसान कमजोर है। उसर बंजर, ऐसी जमीन जिसमें कुछ उपजता नहीं है यानी अनउपजाऊ। उर्वरा यानी उपजाऊ, जिस पर उगते है अन्न, यानी दोनों ये विरुद्ध शब्द है। सूर यानी ईश्वर, असुर यानी दानव, ये भी विरुद्ध शब्द है, सूर असुर। आइए भावार्थ देखते हैं। जो किसान अन्न निर्माण करके हमें पालता है, हमें बलवान बनाता है, वही किसान बलहीन है, कमजोर है, क्योंकि पेट भर अन्न के लिए वह मोहताज है। वह किसान जो बंजर जमीन को अपने खून से सींच कर उर्वर बनाता है, अर्थात कड़ी मेहनत करते अन्न उपजाता है, उस श्रम के देवता का कवि ध्यान करना चाहते हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर असुरों का ध्यान नहीं करना चाहता, मैं किसान का ध्यान करना चाहता हूँ, आज उसकी पूजा करना चाहता हूँ, उस कृषक का मैं गीत गाना चाहता हूँ। कवि आज उसे ईश्वर का दर्जा देना चाहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस गीत के अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हार रे, जोड़ कर कण कण उसी के नीड का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। नीड अर्थात घोसला, यंत्रवत यानी यंत्र जैसा काम करने वाला, और पीड़ित यानी दुखी। इसका भावार्थ देखते हैं। आज किसान का जीवन यंत्र जैसा है, यंत्र जिसमें भावना नहीं होती, वो अपने कर्तव्यों को निभाता है पर उसे अपने अधिकार नहीं मिलते, उसके अपने अधिकार मांगने पड़ते हैं। इंसानियत अपनी हार जीत के चक्र में पीड़ित है। परहित के लिए स्वयं कष्ट करने वाला ये कृषक आज उपेक्षित है, और कवि इस किसान के प्रति अपनी भावनाओं के कण कण जोड़कर नए घोंसले का निर्माण करना चाहता है, अर्थात किसान की दशा को सुधारने का हर संभव प्रयास करना चाहता है, ताकि अन्नदाता किसान समाज में सम्मान से प्रतिष्ठित जिंदगी जी सके। किसान की उन्नति और विकास पर ही देश की समृद्धि टिकी है। तो बच्चों, जिस दिन हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए किसान को महत्व देंगे, उसे सम्मान देंगे, उसी दिन यह देश एक विकसित देश कहलाएगा। आशा करती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कविता अच्छी समझी होगी। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।